welcome my dear learners in this english online class here we will study in grammar and the topic is capital letters and full stop dear students those are having your grammar books please take out your grammar book and come to the chapter number 4 got it very good now let's start here we know that इन इंग्लिश देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स हमको पहले से ही पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में इंग्लिश uh, ग्रामर में टू टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं जो क्या क्या होते हैं वाट आर दे स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स ये सनो यू कैन सी ही दे आर शोइंग टू यू दैट दीज आर द कैपिटल लेटर्स okay and these are the small letters dear students we know those things that capital letter and small letters but mostly what happened we found when we write okay and in the when we read uh, that what we found that all the letters are written in small letters yes or no and sometimes we found the capital letters or so but we do not know हमको पता नहीं है कि वेर वी विल यूज द कैपिटल लेटर एंड हाउ वी विल यूज सो नाउ टूडे वी विल नो इट सो लेट्स लुक एट हियर दैट वेयर वी विल यूज द कैपिटल लेटर्स डियर स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो प्लीज लिसन केयरफुली कैपिटल लेटर्स वी राइट विथ स्मॉल लेटर्स एज ए सेट हमने मैंने बोला आपको कि राइट जब हम लिखने जाते हैं जब हम रीडिंग करते हैं जब हम को टॉकिंग करते हैं दैट टाइम इज नॉट शोइंग दैट यू आर टॉकिंग इन कैपिटल लेटर्स और इस्मॉल लेटर्स बट वेन यू राइट जब आप लिखने जा रहे हो तब क्या कहते हो हम स्मॉल लेटर्स से लिखते हैं बार वी ऑल्सो यूज कैपिटल लेटर्स बट फिर हम कैपिटल लेटर्स को भी, भी यूज करते हैं आप कहाँ करते हैं सो लेट्स

क्वेश्चन फॉर यू दैट वेयर डू यू सी द कैपिटल लेटर यहाँ पे आप एक यहाँ पे एक क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि आपको कैपिटल लेटर कहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं नाउ यू टेल मी ओके कैपिटल लेटर्स कम एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस सी डियर ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो कीप इन योर माइंड ऑलवेज आपको आपके दिमाग में रखना है कि कैपिटल मीन्स जब भी हम एक सेंटेंस स्टार्ट करते हैं ओके okay, लिखने के टाइम तब फर्स्ट जो लेटर होते हैं वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे ओके दिस इज वन पॉइंट नेक्स्ट सेकंड नंबर इज स्पेशल नेम्स आल्सो बिगिंस विद कैपिटल लेटर जो स्पेशल नेम होते हैं जो एक भी हितिवेश स्पेशल को क्या बोलते हैं विशिष्ट जो एक विशिष्ट नाम होते हैं वो भी क्या है उनके फर्स्ट लेटर किस शुरू होता है कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं ओके okay, जैसे एग्जाम्पल देखो द नेम ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज मधु मधु इज ए स्पेशल नेम ऑफ पर्सन एक पर्सन के स्पेशल नेम है तो इसीलिए एम का क्या है फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है योर नेम योर नेम इज़ ऑल्सो स्पेशल नेम आपके पापा के हर कोई पर्सन का नेम क्या होते हैं बहुत ही स्पेशल होते हैं है ना तो उनके जब आप लिखोगे तब उनके फर्स्ट लेटर किससे स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे टू पॉइंट्स आपको मिल गया है फर्स्ट पॉइंट क्या है जब भी आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे तो उसका फर्स्ट लेटर किससे लिखोगे कैपिटल लेटर से सेकेंड पॉइंट क्या है ना जब आपको स्पेशल नेम मिलेंगे है ना राइटिंग के राइटिंग के वक्त तब आप क्या करोगे फर्स्ट लेटर क्या है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे थर्ड नंबर आपको अब नाउ कम टू द थर्ड नंबर पॉइंट दैट वी ऑलवेज राइट आई इन कैपिटल आई जो हम अपने बारे में लिखेंगे ना तो आई क्या है हम अगर सेंटेंस के बीच में अगर आपके लिए लिखने के लिए बोला है तो आई आप इस तरह को नहीं लिखोगे ये दिस इज रॉन्ग आप किस तरह को लिखोगे आई दिस इज तो इट इज राइट ओके तो जब भी आपको आई के बारे में लिखेंगे ना मेरे बारे में तो आपको क्या लिखना है कैपिटल लेटर से लिखना है सी द एग्जाम्पल दैट माय फ्रेंड एंड आई स्टडी इन क्लास थर्ड मेरे फ्रेंड मेरे दोस्त ओके एंड आई स्टडी हम दोनों ही एक ही क्लास थर्ड क्लास में पढ़ते हैं तो यहाँ पे आई किससे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर से नाउ यू लर्न सम इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेशल नेम्स दैट बिगिंस विद कैपिटल लेटर्स आर एज फोलोज ओके यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि क्या क्या कौन से कौन से नाम बहुत ही स्पेशल होते हैं ओके okay. जिनका फर्स्ट लेटर आपको क्या है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है जैसे नेम्स ऑफ पर्सन नेम ऑफ पर्सन ओके पर्सन के नेम जो है वो बहुत ही स्पेशल होते हैं तो उसके फर्स्ट लेटर क्या किससे लिखोगे कैपिटल लेटर से जैसे सिलाइक ज्योति जे कैपिटल मिताली एम कैपिटल सेकंड नंबर इज नेम ऑफ डेज नाउ टेल मी हाउ मेनी डेज आर दे आर इन ए वीक वीक में कितने डेज होते हैं ना सेवन डेज लाइक मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे सो वेर एवर यू राइट द नेम ऑफ डेज यू राइट द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल थर्ड नंबर इज नेम ऑफ मंथ्स हाउ मेनी मंथ आर दे आर इन एयर एक साल में कितने महीनों होते हैं प्लीज टेल मी आंसर मी ट्वेल्व वेरी गुड व्हाट आर दे जनवरी फेबुअरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर ऑक्टोबर नवम्बर एंड डिसम्बर सो वेन एवर यू राइट द नेम ऑफ मंथ यू राइट फर्स्ट लेटर इन कैपिटल फोर्थ नंबर इज नेम ऑफ सब्जेक्ट्स मेनी सब्जेक्ट यू आर है इंग्लिश साइंस मैथ sst hindi yes evs then gk value education so whenever you write the name of subject you write the first letter in capital fifth number is name of countries and cities many countries and many cities are there इन आवा इन द वर्ल्ड ये सनो विश्व में बहुत सिटीज होते हैं बहुत कंट्रीज भी है सो वे ने यू राइट द नेम ऑफ दि सिटीज नेम और दंट्रीज नेम यू लाइक यू राइट फर्स्ट लेटर इन कैपिटल लाइक इंडिया आई कैपिटल जापान आई जे कैपिटल दिल्ली द कैपिटल नेम ऑफ स्कूल्स व्हाट इज द नेम ऑफ यूर स्कूल ठेल मी सो द नेम ऑफ माय स्कूल इज सरदार पटेल इंटरनेशनल स्कूल सो सरदार एस कैपिटल पटेल पी कैपिटल इंटरनेशनल आई कैपिटल एंड स्कूल स्कूल इज ए नेम ऑफ कॉमन नेम ओके स्कूल जो है वो कॉमन नेम में आते हैं तो ये क्या है इसमें आप सी स्कूल के सी कैपिटल नहीं आएंगे द नेम ऑफ रिवर्स एंड सीज नदियों के नेम और समुद्र के नेम भी फर्स्ट लेटर आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना नेक्स्ट नंबर इज नेम ऑफ फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स के जो नेम है, है ना फेस्टिवल्स के नेम भी आप किस से स्टार्ट करोगे कैपिटल लेटर जैसे होली ओनम ईद क्रिसमस दशहरा ये सुनो दीपावली Diwali, so these all the festivals name write first letter in capital. Now here is one exercise for you that first number rewrite these sentences using capital letters where you think they are necessary. Means here are some uh, uh, sentences are there okay. They, these are not in proper way like capital letters are missing. So what you have to do whenever you feel, um, feel that here will write. ल कम इन कैपिटल लेटर दैट दे आर यू कैन राइट कैपिटल लेटर्स ये सेंटेंसेस हैं ओके और इसमें कैपिटल लेटर से देखो आपने कैपिटल लेटर्स अभी इस वीडियो में आपने कैपिटल लेटर के बारे में सिखाए हैं तो नाउ यू थिंक अबाउट दैट्स कैपिटल लेटर एंड रीराइट देंटेंसेस नाव कम टू द नेक्स्ट पेज टू लर्न अबाउट फुल स्टॉक फुल स्टॉक व्हाट इज द फुल स्टॉक रीड द फॉलोइंग पहले आपको फॉलोइंग को रीड करने के बोल रहे हैं ना बिना इज माय फ्रेंड फुल स्टॉप वी प्ले टुगेदर फुल स्टॉप द लिटिल डॉट दिस डॉट ओके एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस इज कॉल्ड इज कॉल्ड फुल स्टॉप ये एंड में जो फुल स्टॉप है ना एंड um, में जो डॉट लिटिल डॉट दिया जा रहे इसको है उसको क्या कहते हैं फुल स्टॉप सो वी स्टार्ट अ सेंटेंस दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू लुक एट हियर वी स्टार्ट अ सेंटेंस विथ अ कैपिटल लेटर एंड वी एंड अ सेंटेंस विथ अ फुल स्टॉप हम क्या करते है? एक सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से और व्हेन वी सी दैट दिस सेंटेंस ब्रिंग्स अ कंप्लीट सेंस इनके मीनिंग्स कंप्लीट हो चुका है तब व्हाट वी पुट नाउ वी पुट द फुल स्टॉप गॉट इट डियर नाउ कम टू द अनदर एक्सरसाइज सी राइट दिस सेंटेंसेस प्रॉपरली यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप वेयर नीडेड यहाँ पे आपको सेंटेंस को मीन्स राइट सेंटेंस को प्रॉपरली लिखने के लिए बोल रहे हैं और थिंग और भी लिखने के लिए बोल रहे कि जहाँ पे कैपिटल लेटर यूज होंगे और कहाँ फुल स्टॉप कहाँ पे लगेंगे ओके डियर सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस वीडियो वॉच दिस इफ़ यू नॉट अंडरस्टूड Again from, uh, means now, also, so you can watch this video again and again to learn it. So, thank you very much. Have a good day.